नमस्कार, देशदूत एंड WRD इनके संयुक्त विद्यमान से हम लोग आज नारी शक्ति नवदुर्गा उपक्रम में यहाँ पे आए हुए हैं। हम लोग आए हैं कैफे ब्लीस। हमारे साथ है कैफे ब्लीस की डायरेक्टर प्राची राठी। हम जानना चाहेंगे कैफे ब्लीस के बारे में। इन्होंने जैसे आदिशक्ति का नवरात्रोत्सव है, आदिशक्ति ये नारी का रूप कहा जाता है, और नारी शक्ति को जिस तरह से इन्होंने प्रमोट किया है, जिस तरह से नारी शक्ति को सक्षम किया है, हम जानना चाहेंगे उनकी सक्सेस स्टोरी। उन्होंने लॉकडाउन के कार्यकाल में एक अपना बिजनेस स्टार्ट किया, उसे इतने प्रगल्भता से उन्होंने आगे बढ़ाया है कि आज हम देख सकते हैं वो बहुत ही सक्षम रूप से खड़ा हुआ है। तो हम जानना चाहेंगे प्राची राठी जी से उनकी काम की प्रगति, काम की गति। तो राठी प्राची जी, आपको उनका स्वागत है देशदूत के इस नवदुर्गा नारी शक्ति उपक्रम में। तो आप बताइए कि ये आपने जो बिजनेस टूर स्टार्ट किया, ये किस तरह से स्टार्ट हुआ, कैसे इसकी शुरुआत हुई? सो 22 मार्च 2020 सबके लिए एक सबको याद रहेगी ये डेट। इस दिन से इंडिया में लॉकडाउन का प्रोसेस शुरू हुआ था, एंड बीइंग फ्रॉम रेस्टोरेंट एंड कैफेज होटल्स इंडस्ट्री, हम लोगों को बंद करने के लिए बोल दिया गया था शॉप्स विदाउट एनी फर्दर नोटिस व्हेन विल द शॉप स्टार्ट रीओपन। तो रातों रात हम लोगों ने दुकानें बंद करी, पेस्ट कंट्रोल कराया, जो पेरिशेबल चीज़ें होती है सब, यू नो, वो एक टाइम था जिसमें सब इतना केओटिक था, बिजनेसेस करना क्या है, लॉकडाउन हो रहा है। तो कुछ टाइम तो निकला घर में, बट देन मैं, मेरे हस्बैंड, हम दोनों बहुत कुकिंग में शौक़ रखते हैं। हमारे घर में सब लोगों को कुकिंग का शौक़ है। खाना बनाना शुरू किया घर में और हम लोग फोटोज़ पोस्ट कर रहे हैं जस्ट लाइक एवरी वन हु जो इंडिया में कर रहे थे, एंड पीपल अप्रिशिएटेड अस। तो उस समय हम लोगों को लगा कि यू नो देर इज़ दिस थिंग मिसिंग, पीपल आर मिसिंग गोइंग आउट। कुछ टाइम बाद लोग अपने फेवरेट कैफेज, अपने फेवरेट हैंग आउट स्पेसेस को मिस कर रहे हैं, एंड दैट्स द टाइम हम लोगों को लगा कि यू नो व्हाई नॉट ऑफर देम व्हाट दे नीड। क्योंकि रेस्टोरेंट्स बंद है, कुछ ही लिमिटेड ऑप्शंस है टेकआउट्स के लिए। लोग नासिक के लोग बॉम्बे जाते हैं, आज कहीं खाना पीना है या कुछ अच्छा इंजॉय करना है, हॉलीडे करना है, तो ब्रिंग बॉम्बे टू नासिक। तो वी पिक्ड अप दीज थिंग्स, मेन्यू में हमने ऐसी चीज़ें खाने पीने की बनाई घर में, हमने क्यूरेट किया पूरा मेन्यू जो नासिक में रेस्टोरेंट्स में इजीली अवेलेबल नहीं है, और उनको हम पैकेज करके एक बॉक्स में केटर करें टू दोज हु आर मिसिंग इट, एंड इट वर्क्ड। लोगों को बहुत अच्छा लगा वो आइडिया कि वो पूरा पार्टी बॉक्स का, कि जिसमें उन लोगों को 4 to 6 पीपल जो यूजुअली एक फैमिली में होते हैं या फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग हो रही थी, उतने ही लिमिटेड लोगों की। तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। जैसे अभी लॉकडाउन था, मार्केट सब बंद थे, कहीं पे कुछ नहीं मिल रहा था, तो आपने फिर ये मटेरियल्स, जो सामान लगने वाला था, वो कैसे आपने अरेंज किया? इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है, इसकी पैकिंग के लिए मटेरियल लगना है, प्रिपरेशन के लिए मटेरियल लगना है, तो ये आपने कैसे मैनेज किया? दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। एक्चुअली हम लोगों के जो बॉक्सेस है बॉक्स ऑफ ब्लिस में, उसमें इतने सारे कॉम्पोनेंट्स जाते हैं हर एक बॉक्स में, कि अगर टाको बॉक्स है तो उसमें सालसा भी है, टॉटिया भी है, गलेट भी है, और तरह तरह के चीज़ और गुआकामोली, आज एक आवोकाडो भी लेना है तो मुझे बाहर निकलना है गाड़ी से। तो वी आर डिलीवरिंग करके जो कंपनी है, दे रियली हेल्प्ड मी टू ब्रिंग ऑल दीज थिंग्स टू माई प्लेस एट माई डोर स्टेप वेन आई नीडेड देम। एंड सब कुछ मैं खुद से कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे हैं, बट वी आर इन द किचन, सो जो बाहर के काम है, जो भी छोटी छोटी चीज़ें लेकर आनी है, इट वॉज सो ईजी टू कोऑर्डिनेट विद देम एंड गेट दोज थिंग्स एट माई होम। लेकिन ये सब चीज़ें आपको इकट्ठा करना, ये बड़ा चैलेंज था। दैट वॉज अ चैलेंज, दैट इज स्टिल अ चैलेंज। ओवर टाइम वी आर बिकमिंग बेटर, एंड नाउ वी हैव लाइक मैसेजेस रेडी कि वी आर, कोई ऑर्डर आया, दिस इज वॉट वी वॉन्ट, मैसेज करा एंड दैट्स देयर एट आवर प्लेस। अच्छा, एक प्रोडक्ट बनाना ये तो ठीक है, एक चल हो भी सकता है, पर उसका डिलीवर करना, कस्टमर तैयार करना, ये आपका बड़ा चैलेंज था, आपने ये कैसे टैकल किया? कस्टमर तैयार करना, या सो विद द इन द सोशल मीडिया एज, इट्स लाइक वो फिर चेन मल्टीप्लाई होता है,
चार लोगों ने हमारा प्रोडक्ट ट्राई किया, उन लोगों ने अपने सर्कल में फैलाया. वी आर मेंशनिंग देम कि हमें टैग करो, हमें इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ यू नो फॉलो अस, या और भी तरह से उन लोगों ने अपने फ्रेंड्स वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू इट वॉज हैपनिंग. इट वॉज नाइस. इस आपके पूरे प्रोसेस में जैसे आपने ये सब सक्सेस किया, लॉकडाउन का पीरियड है, पब्लिक को घर में फूड देना है, उनको सेटिस्फाई करना है, क्वालिटी देना है, ये सब आपने बड़ा अचीव किया, बड़ी तकलीफ के पीरियड में अचीव किया. पीपल्स आर सेटिस्फाइड विद योर सर्विसेज. यस. तो आप महिलाओं को अभी क्या संदेश देना चाहेगी कि आप जैसे आपने सक्सेस किया तो बाकी और महिलाओं को क्या वो कहेंगी जो ये करना चाहती है कुछ? आई वुड से इफ यू You have to find solutions to a problem. अगर कुछ है मार्केट में, if you think something is missing, सबसे पहले तो find a solution. And if you think your idea is good, be determined. उस पर लगे रहो. Your idea will achieve success अगर आप मेहनत करते रहोगे तो. हर बॉक्स बनाने में, हर केटरिंग के ऑर्डर में हम लोगों को मेहनत जाती है. हमारा भी खाने का टाइम है, डिलीवरी का भी वही टाइम है. उसी समय मुझे सब कुछ करना है, अपने बच्चे को भी खाना खिलाना है, डाइनिंग टेबल भी सेट करनी है और ऑर्डर भी डिलीवर करना है. पर मेहनत करते रहो और हैव फेथ इन योर सेल्फ. एवरी वन विल सपोर्ट यू, योर फैमिली विल सपोर्ट यू. माई फैमिली सपोर्टेड मी, एवरी वन सपोर्ट्स मी at home when we have like many orders and usually we take bulk orders. तो फिर वो ऐसा होता है कि सब घर हमारा मिल जाता है जब कुछ होता है तो. ये बॉक्स जो आपने बताया, बॉक्स क्या चीज़ है ये? सो बॉक्स ऑफ ब्लिस इज़ अ केटरिंग सोल्यूशन बॉक्स विच इज़ अ लॉकडाउन बेबी. हम लोगों को लगा कि लोग पीपल आर मिसिंग बॉम्बे का खाना, बाहर आना जाना, डिफरेंट क्यूजींस. तो वी केम अप विद दिस फाइव डिफरेंट स्टाइल ऑफ बॉक्सेज विच सर्व्स एब्सोल्युटली विच आर एब्सोल्युटली डिफरेंट देन ईच अदर. देर इज़ अ क्लासिक ग्रेजिंग बॉक्स जिसमें तीन तरह की इम्पोर्टेड फैंसी चीज़ेस जैसे फेटा, इंग्लिश चेडर, ब्री या कैमेबेर या क्रीम चीज़, ऐसी चीज़ेस रहती है. क्रैकर्स रहते हैं, सावरडो क्रैकर्स रहते हैं, फ्रेश फ्रूट रहता है, ड्राई फ्रूट्स एंड ये अपने नट्स रहते हैं, कन्फेक्शनरी भी रहता है. फिर एक सुशी बॉक्स है जिसमें तीन तरह के सुशी रहते हैं एंड उसके साथ गारी, वसाबी एंड सोए सेसमी सॉस. देन देर इज़ अ ब्रिस्केटा एंड मेज़े बॉक्स जिसमें एक होल बकेट हम टोस्ट करके देते हैं विथ टू टाइप्स ऑफ टॉपिंग्स एंड चॉइस ऑफ चीज़ेस एंड आमंड रॉक्स, चॉकलेट्स, हमस एंड पीटा. हमस भी दो तरह के, तो इसमें दो तरह के, इसमें थोड़ा मेडिटेरेनियन बॉक्स हो गया ये. देन देर इज़ अ टाको बॉक्स जिसमें तीन तरह के सालसा रहते हैं, गुआकामोली, चेडर चीज़, टॉर्टिया चिप्स. इट्स अ कम्प्लीट मील बाय इटसेल्फ. इसके साथ एक डिज़र्ट भी है विच इज़ very fancy and appreciated by a lot of people. It's called apple galette and there is a waffle and fondue box which is every kid's favorite. Isme waffle hai do tarah ke, popcorn hai, isme fresh fruit hai, cake hai, confetti hai, nutella, different types of whipped butter. So making these boxes are assembling everything is absolutely fun. हम लोग को कुकिंग करने में जितना मज़ा आता है उतना ही मज़ा मुझे ये बॉक्सेस असेंबल करने में आता है. ड्यूरिंग लॉकडाउन हम लोग एज फैमिली बहुत सारी पिकनिक्स पर जाते थे एंड पीपल यूज़ टू रियली अप्रिशिएट आर फोटोज़ एंड हाउ वी यूज़ टू पैक आर पिकनिक्स. मेरा पिकनिक बैग लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया विच गेव मी द आइडिया, यू नो, वाई नॉट गेट पिकनिक बैग्स इन नासिक. अभी शॉप्स खुली नहीं है एंड दे आर नॉट ईजिली अवेलेबल ऑन अमेजॉन ऑल्सो. सो वी गॉट पिकनिक बास्केट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स जिसमें अलग अलग तरह की कटलरी, क्रॉकरी है एंड वी आर स्टिल सेलिंग देम एंड वी आर गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स. समटाइम्स कस्टमर्स आस्क अस कि हमारा पूरा बॉक्स उन बास्केट्स में अरेंज कर दो एंड इट्स अ जॉय टू, यू नो, फीड समवन, गिव देम दिस हैप्पी एक्सपीरियंस ऑफ गोइंग टू अ पिकनिक एंड एन्जॉइंग देयर पिकनिक बाय इटसेल्फ. Apart from this, we also sell retail products under our brand Fine Food Merchant, jisme we are getting imported cheeses and pastas, pasta sauces, other ingredients. This is again lockdown mein we used to do this. Ye brand pehle se tha par hum log, we were only supplying to, you know, institutions. But in this time we realize people are cooking a lot at home and they it's a brand new hobby for a lot of people.
बट इट्स हार्ड फॉर देम टू प्रोक्योर मटीरियल. तो वी आर गेटिंग मटीरियल फ्रॉम आर यू नो आउटसाइड एंड सेलिंग देम हियर एंड everyone is really enjoying, you know, अपना खुद से पूरा पास्ता बनाना, उसमें तिरामिसू बनाना जिसमें वी आर गेटिंग लेडी फिंगर, मास्कारपोन चीज़ एंड वो सब चीज़ें जो नासिक में इतना ईजिली अवेलेबल नहीं था. सो वी आर डिलीवरिंग इन फैक्ट इज़ यू नो रियली हेल्पिंग अस टू गेट टू आवर कस्टमर्स. हमारे कस्टमर्स को वो सब मटीरियल चीज़ेस है, पेरिशेबल है, वो टाइम पर पहुँचाना एंड यू नो प्रॉपरली वी आर डिलीवरिंग इज़ रियली हेल्पिंग अस आउट ओवर देयर. आपने अभी कहा कि बॉक्स, ये बॉक्स क्या चीज़ होती है? सो बॉक्स ऑफ ब्लिस वॉज अ क्वारंटीन बेबी. हम लोगों ने ये पूरा ये लॉकडाउन के समय हमारा डेवलप हुआ अ केटरिंग सोल्यूशन फॉर 4 to 6 people ऑलमोस्ट अ फैमिली और अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जितने लॉकडाउन के समय मिल सकते थे. हम लोगों ने ये बॉक्सेस 5 तरह के बनाए, चीज़ इन ग्रेज, क्लासिक ग्रेजिंग बॉक्स, सुशी बॉक्स, मेजे एंड ब्रुस्केटा बॉक्स, DIY टाको बॉक्स, वॉफल एंड फॉन्ड्यू बॉक्स. इन पांचों बॉक्सेस में यूनिकनेस है और इन पांचों बॉक्सेस में अलग अलग क्यूजींस है, अलग फ्लेवर प्रोफाइल्स है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूड्स. फॉर एग्जांपल आज अगर किसी की बर्थडे पार्टी है, कोई बच्चों की प्ले डेट है या बच्चे मिल रहे हैं घर में, तो बॉक्स ऑफ ब्लिस जो वॉफल एंड फॉन्ड्यू बॉक्स है वो बहुत अप्रोप्रिएट होगा. वर्सेज अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो पिकनिक पर, तो एक वो जो ब्रिस्केटा बॉक्स है दैट इज़ वेरी ईजी टू स्प्रे, ऑल द बॉक्सेज आर ईजी टू यूज़, सब कुछ डिस्पोजेबल सब अंदर रहते हैं, पर उसमें ज़्यादा इट्स मोर पिकनिकी, इट हैज़ अ मच मोर पिकनिक फील टू इट. सुशी बॉक्स है उसका एक अलग ही, जिसमें सुशी एक जापनीज डिश होती है तो वो उसके अलग क्लाइंट्स है, अलग फ्लेवर्स है. तो एवरी बॉक्स हैज़ डिफरेंट फ्लेवर्स एंड डिफरेंट यू नो रीजन्स टू गेट देम. तो वी हैव कस्टमर्स जिन्होंने पाँचों ट्राई करे हैं एंड दे हैव यू नो दे आर वेरी हैप्पी एंड दे हैव एक्नॉलेज दैट ऑल 5 आर सो डिफरेंट देन ईच अदर. जिस सुशी बॉक्स ने आपने बोला कि सुशी बॉक्स में सब कॉन्टिनेंटल है, सुशी बॉक्स इज अ जापानीज बॉक्स. यस, ये एक जो रॉ मटेरियल जो कंटेंट्स उसके है कैसे अवेलेबल होता है? सो सुशी बॉक्स में हम लोग पैक करते हैं, जैसे सुशी होता है जो सुशी राइस से, जापानीज राइस से बनता है, उसमें क्यूकम्बर्स एंड एवोकाडो एंड क्रीम चीज जाते हैं, इट्स रैप्ड विद अ नोरी शीट, वी रोल देम घर पर. वैरायटी आती है, मेरा सवाल ये है कि ये रॉ मटेरियल ये लॉकडाउन में आपको कहाँ से? हाँ, सो इसमें इस बॉक्स में इतने अलग अलग जगह से हम लोग रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर रहे थे कि वी नीडेड हेल्प कि कहाँ से हम क्या मंग, मतलब यू नो जब बॉक्स का ऑर्डर आया तो वी हैव टू प्रिपेयर द फूड, तब वी आर डिलीवरिंग करके जो ये कंपनी है दे रियली प्लेड अ बिग रोल इन गेटिंग थिंग्स एट आवर डोर स्टेप. तो फॉर एग्जांपल सुशी बॉक्स में हमें एवोकाडो उसी समय चाहिए जब हम सुशी रोल कर रहे हैं, हम एवोकाडो जैसा पेरिशेबल फ्रूट बहुत पहले से स्टॉक करके नहीं रख सकते घर में. सो इट्स जस्ट अ कॉल अवे, कॉल देम एंड दे विल ब्रिंग इट टू यू. तो ऐसे ही अदर बॉक्सेस लाइक मेरे टाको बॉक्स में भी ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स है और सभी बॉक्सेस में अलग अलग, मेरे ग्रेजिंग बॉक्स है उसमें फ्रेश ग्रेप्स जाते हैं, फ्रेश फ्रूट्स जाते हैं. सो व्हेन आई एम डूइंग थिंग्स एट होम दीस गाइज आर डूइंग देयर रोल एंड दे आर बीइंग वेरी हेल्पफुल टू अस. ये ट्रैवलिंग बॉक्स आपने बनाया है, कुछ पिकनिक बॉक्स? पिकनिक बॉक्स. सो या लॉकडाउन में हम लोग एज फैमिली एज फ्रेंड्स विथ फ्रेंड्स वी वेंट आउट फॉर लॉट ऑफ पिकनिक्स टुगेदर एंड घर का खाना घर पर बना हुआ नीट एंड क्लीनली रैप्ड. तो आई ऑल्सो वी ऑल्सो यू नो आउटसोर्स्ड सम पिकनिक बास्केट्स. तो हम लोगों ने पिकनिक बास्केट्स यू नो डिफरेंट तरह की नीड्स की, पिकनिक बास्केट फॉर 2, पिकनिक बास्केट फॉर 4 विथ यू नो डिफरेंट शेप्स एंड अंदर क्रॉकरी कटलरी सब उसमें है. तो उसमें भी हम ये बॉक्स पूरा पैक करके दे देते हैं. ओके, तो ये थी प्राची राठी जी की अपने उपक्रम के प्रति अनुभूति. कोई यदि मन में ठान लेता है कुछ करने की जिद रखता है तो यश 100% उसे मिलता है, 100% उसे सक्सेस मिलता है, यही प्राची जी ने अपने काम से बताया है. लॉकडाउन का पीरियड हो, सभी काम बंद हो, उसी वक्त में लोगों को घर तक अच्छे अच्छे कुजींस पहुंचाना ये भी एक बड़ा चैलेंजिंग जॉब था. उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसे निभाया है और हम चाहते हैं, देशदूत परिवार चाहता है कि आपका ये काम आगे बढ़ता रहे. देशदूत WRD की ओर से आपको बहुत बहुत शुभेच्छा. थैंक यू सो मच.